हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने चर्चा की है मेष लग्न, वृषभ लग्न और मिथुन लग्न की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कर्क लग्न कैंसर असेंडेंट के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं और साथ ही साथ कौन कौन से रत्न वो नहीं पहन सकते, कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित हैं। दोस्तों, मैं रत्नों को लेकर के, जेमस्टोन्स को लेकर के दो वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूँ जिसमें मैंने आपको बेसिकली और बड़े विस्तार से यह बताया है कि रत्न कब और क्यों पहना जाना चाहिए, साथ ही साथ रत्न पहनने की विधि क्या है। यदि आप उन दो वीडियोस को देखना चाहते हैं, विस्तार से इस बात को समझना चाहते हैं कि रत्न कब और क्यों और विधि इसकी क्या होती है, तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर के वो वीडियोस देख सकते हैं, क्योंकि वहां पर हमने उन वीडियोस की लिंक आपको दी है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कर्क लग्न की जो कुंडली है, जिनकी भी कर्क लग्न की कुंडली है, वो लोग कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं। पहने जाने वाले रत्न के बारे में सबसे पहले मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, कर्क लग्न की कुंडली में मोती या फिर पर्ल, जो कि चंद्रमा का रत्न होता है, पहना जा सकता है। मंगल का रत्न रेड कॉरल या फिर मूंगा, यह भी पहना जा सकता है। गुरु का रत्न बृहस्पति का रत्न पुखराज येलो सफायर, ये भी पहना जा सकता है। और किसी विशेष परिस्थिति में शुक्र का रत्न ओपल भी पहना जा सकता है। ओपल या फिर डायमंड भी होता है शुक्र का रत्न, हीरा, तो ये भी पहना जा सकता है। लेकिन इन रत्नों को पहनने से भी पहले एक ये शर्त है, इसको जरूर से ध्यान रखें। कौन सी शर्त? शर्त यह है कि जिन भी ग्रहों का रत्न है वो ग्रह कुंडली में कहीं भी नीच राशि स्थित नहीं होना चाहिए। इसी के साथ साथ वो तीसरे, छठे, आठवें या बारहवें भाव में स्थित नहीं होना चाहिए। यदि, कहने का मतलब ओवरऑल मेरा ये कि यदि अच्छे ग्रह भी हैं, मैंने यहाँ पर सारे अच्छे अच्छे ग्रहों के रत्न आपको बताए, तो यदि अच्छे ग्रह भी हैं और वो यदि कुंडली में कहीं खराब बैठ गए हैं, बैड प्लेस्ड हैं, तो उनके रत्न नहीं पहने जाते। तो चंद्र, मंगल, गुरु और शुक्र, ये इस कुंडली के लिए अच्छे ग्रह हैं। शुक्र चूंकि सम ग्रह हैं, बाकी सारे योग कारक ग्रह तो अच्छे ग्रह हैं, तो फिर भी यदि ये कुंडली में कहीं खराब बैठ जाते हैं तो इनके रत्न नहीं पहनना है, ठीक है। और कौन कौन से रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना है, वो है सूर्य का रत्न माणिक या फिर रूबी, उसी के साथ साथ बुध का रत्न पन्ना या फिर एमराल्ड, और शनि का रत्न नीलम या फिर ब्लू सफायर, ये तो बिल्कुल भी नहीं पहनना है। ये तीन रत्न बिल्कुल भी नहीं पहनना है। तो दोस्तों, यहां पर मैंने आपको बताया कि कर्क लग्न की कुंडली के जो जातक हैं वो कौन कौन से रत्न पहन सकते हैं, कौन कौन से रत्न उनके लिए वर्जित है। मुझे विश्वास है कि आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, फिर से एक बार मैं आपसे कहता हूं कि यदि आप विस्तार से ये बात जानना चाहते हैं कि रत्न कब पहने जाते हैं, रत्न क्यों पहने जाते हैं, रत्न पहनने की विधि क्या है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी गई है वहां जाकर के उन वीडियोस को आप बड़ी आसानी से देख सकते हैं। चलिए, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।